के गांव में एक दुखद और दर्दनाक घटना अपराह्न में घटी थी। इस पूरी घटना के तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टि हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, एटा, ललितपुर, सांझापुर, आगरा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, औरैया, बुलंदशहर, पीलीभीत, संभल और लखीमपुर खीरी, इन 16 जनपदों के भी कुछ श्रद्धालु जन थे जो इस हादसे के शिकार हुए हैं। एक सौ इक्कीस में से 6 मृतक ऐसे थे जो अन्य राज्यों से थे, जिनमें ग्वालियर मध्य प्रदेश से एक थे, हरियाणा से 4 थे और राजस्थान से 1 थे। हाथरस के जिला हॉस्पिटल में मैंने जो घायल हैं, 31 ऐसे घायल हैं जो हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा के हॉस्पिटल में जिनका उपचार चल रहा है और उसमें लगभग सभी आउट ऑफ डेंजर है। हादसे के बारे में जो वहां के चश्मदीद हैं, जो इस घटना के शिकार हुए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं जिनसे आज मैंने बातचीत भी किया है, वे सभी इस बात को बोलते हैं कि हादसा कार्यक्रम के उपरांत जब इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू यह था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते,
दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरे घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टिया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना के तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे और मैंने यहां पर भी हाथरस में भी और सिकंदरा राव के घटनास्थल का मैंने दौरा किया, यद्यपि वहां काफी बारिश थी और वहां जाकर के मैंने एक बार उसको देखने का प्रयास किया है। यद्यपि प्रशासन ने पहले से इसके मैप भी बना के तैयार किए थे और भेजे भी थे, लेकिन हादसे के कारणों की प्रारंभिक व्यवस्था देखी जा सके इसको देखने के लिए वहां पर मैं स्वयं गया था और हमारे तीन मंत्री यहां पर कल से ही कैंप कर रहे थे। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी यहां पर कल से ही कैंप कर रहे हैं। सीनियर अधिकारीगण भी यहां पर, पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण यहां पहले से ही कैंप करते हुए इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की भी दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष दल बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग जनपदों में उनकी कार्रवाई अब प्रारंभ होगी और प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह यहाँ की घटना के बारे में था और जुडिशियल इंक्वायरी के बारे में आज ही इसके नोटिफिकेशन शासन के द्वारा भी जारी हो जाएगी। महाराज जी, नारायण के
देखिए कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसके तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। देखिए प्रशासन प्रथम दृष्टया ये मान के चलता है कि धार्मिक आयोजन है, उनके सेवादार इस प्रकार के आयोजनों की जिम्मेदारी अंदर से स्वयं निभाएंगे। और बड़े बड़े आयोजन होते हैं, ऐसा नहीं कि ना होते हो, सावधानीवश वहां पर फोर्स प्रशासन तैनात करता है, लेकिन आउटर रिंग में उनकी फोर्स होती है। अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके स्वयंसेवक के सेवादार ही इस पूरे व्यवस्था का संचालन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और जहां पे भीड़ अनुशासित होती है, धार्मिक और आध्यात्मिक श्रद्धा भाव के साथ लोग जहां आते हैं वहां पर भीड़ अनुशासित भी रहती है। लेकिन जब वही कार्यक्रम निहित स्वार्थी तत्वों के हाथों का खिलौना बन जाता है तो वह अनुशासनहीनता का नजारा वहां पर भी देखने को मिलता है, और इसका शिकार अंततः वह निर्दोष व्यक्ति होता है जो धार्मिक श्रद्धा के साथ उस आयोजन में भागीदार बनता है, क्योंकि उसको तो साजिश के बारे में पता नहीं होता है, और वह अपनी उस श्रद्धा भाव के साथ आता है, लेकिन साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहां से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। होना यह चाहिए था कि अगर हादसा था तो सेवादारों को वहां पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके थे, और इसीलिए हम लोग इसके पहले चाहते थे। और मैं इस बात के लिए आपको इस बात के लिए मैं कह रहा हूं ना कि मैंने इसीलिए जुडिशियल कमीशन के बारे में राज्य सरकार ने इसको तय किया है, हम इसके तहत निष्कर्ष पर आएंगे, और इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन हम लोग करते रहे हैं लेकिन कहीं भी कोई इस प्रकार की चीजें नहीं आई है। और मुझे लगता है हम लोगों ने इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन हमेशा किए हैं, कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि इसके तह में जाना आवश्यक है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरा, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने, देखिए FIR एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी प्रथम दृष्टया पहले FIR उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है, ये सभी अन्य लोगों के दायरे में आएंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वे इसमें आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है, जो निर्दोष लोग इस पूरे हादसे के शिकार हुए हैं
उनके जो नाबालिग बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग राज्य सरकार से करवाएंगे। उन्हें जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जिन भी संस्थाओं में पढ़ रहे होंगे, या उनके स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था के लिए भी राज्य सरकार ने तय किया है। और प्रत्येक मृतक के परिवारजन को भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 4 लाख रुपए की सहायता, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता दे रही है। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आप लाइव सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रखे थे हाथरस मामले को लेकर। और यहाँ पर कई बड़ी बातें यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई हैं, जो हमने आपको अभी सुनवाई। दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, हादसे की न्यायिक जांच होगी, ये एक हादसा था या फिर कोई साजिश थी, ये सभी बातें मुख्यमंत्री ने कही है। और साथ ही साथ कहा गया कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति ठीक नहीं है, इसे लेकर भी निशाना साधा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सेवादारों ने श्रद्धालुओं को धक्का दिया, ये सभी बातें कही गई हैं। और जो भोले बाबा जिसका नाम बताया जा रहा है, जो फरार है, उसकी भी लगातार तलाश की जा रही है। तो ये हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार कौन है वो भोले बाबा। तो कुछ लोग हादसे पर राजनीति कर रहे हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सब जानते हैं बाबा को लेकर कि बाबा की फोटो किसके साथ है, ये भी कहा सीएम ने। और हादसे की न्यायिक जांच होगी, हादसे को लेकर राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये सभी बातें मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कही है। इसके साथ ही उन्होंने दोषियों को लेकर भी कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, हादसे की न्यायिक जांच करवाई जाएगी, और जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें जवाब दिया जाएगा। तो सब जानते हैं बाबा की फोटो किसके साथ, ये भी निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। अभी आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कुछ लोग हादसे पर राजनीति करते हैं, सब जानते हैं बाबा की फोटो किसके साथ है, जांच को लेकर भी उन्होंने कहा। और इससे पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब सीएम योगी ने घायलों से मुलाकात की, उनसे खुद उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है, इलाज लगातार जारी है हाथरस, एटा और इसके साथ साथ आगरा में इलाज जारी है, ये भी सीएम ने कहा है। तो ये कुछ बड़ी बातें जो मुख्यमंत्री ने अभी अभी कही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और जो सवाल वहां पर पूछे गए वो भी कहा गया। तो 16 जिलों के कुल मिलाकर ऐसे लोग हैं जो हादसे का शिकार हुए हैं। तो हाथरस में हाहाकार मचा हुआ है, परिवार वालों में मातम पसरा हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी मायने रखती है। मुख्यमंत्री जो कि प्रदेश के मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से आश्वस्त किया गया है उन तमाम परिवारों को जिनके लोग इसमें शामिल थे और जिनके साथ यह हादसा हुआ है, और साथ ही साथ दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। जो बाबा के जो बाद में फरार हो गया, उसके सेवादारों और उस पर भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। और साथ ही जांच को लेकर साफ कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि जांच न्यायिक जांच होगी और जल्द ही दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। इसके साथ लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्योंकि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में है। प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने के की कार्रवाई प्रारंभ की, तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। और इस घटना
की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टिया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही FIR यहां पे दर्ज हो चुकी है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते किस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे, और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक SOP उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना और हिमांशु शुक्ला हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, हाथरस में जो हादसा हुआ उसे लेकर साफ कर दिया है मुख्यमंत्री ने कि न्यायिक जांच होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ तमाम जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को भी आश्वस्त किया गया। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि एक बड़ा मैसेज दिया और मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर ये हादसा है तो हादसे में जिम्मेदारी तय की जाएगी, और अगर ये साजिश है तो साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जो प्रेस ब्रीफिंग की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने बताया कि 121 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जिसमें 3 राज्य हैं और यूपी के 16 डिस्ट्रिक्ट यानी 16 जनपद हैं, और मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के मृतक हैं। सबसे ज्यादा हरियाणा के 6 लोग हैं, और इसके अलावा एक जो सबसे अहम है वो ये है कि राज्य सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप की है, रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज उसके अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा